वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपना ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा कि कैसे उन्हें कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के साथ कंप्लीट डिटेल एस्टिमेशन बनाया जाता है, उसका नोट्स जिसकी फीस 599 रुपए है और वो मिलेगा सिर्फ आज के लिए 99 रुपीज में, और उनको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे टाइप्स ऑफ ड्राइंग और चेकलिस्ट का कोर्स उन्हें फ्री में मिल सकता है, वो भी इसी वीडियो में हम बताएंगे, और कंप्लीट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जिसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है और एक्चुअल फीस 36,000 रुपए है लेकिन अभी लॉकडाउन पे गुरुजी आप लोगों को 9,000 रुपए में दे रहा है, वो कैसे मिलेगा वो भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। ये कोर्स क्यों करना चाहिए आप लोगों को इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरुआत। इस बार का थीम टोटली फ्रेशर्स इंजीनियर के अवेयरनेस के लिए है, जिनके लिए कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और एस्टीमेशन में कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, जिससे उन सभी इंजीनियर्स को मोड ऑफ मेजरमेंट जानने का मौका मिलेगा। और मोड ऑफ मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी कंप्लीट जानकारी कंप्लीटली प्रोवाइड करवाएंगे। इस बार हम एक नोट्स लेकर आए हैं। अब इन नोट्स में क्या मिलने वाला है वो आपको मैं बताता हूं। यहां पर कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इनिशियल स्टेज से लेकर फिनिशिंग स्टेज तक जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के आइटम्स लिए जाते हैं एस्टिमेशन बनाने टाइम, वो कंप्लीटली नोट्स में अवेलेबल है। अब नोट्स में खाली उनका पॉइंट्स नहीं दिया, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके स्पेसिफिक मोड ऑफ मेजरमेंट, उन सभी का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है वो भी रहेगा। साथ में एक्सेल शीट, हर एक आइटम का एक्सेल शीट भी दिया गया है, जिससे इंजीनियर्स को एस्टिमेशन बनाते टाइम दिक्कतें ना आए। साथ में लास्ट में एक मैंने बिल ऑफ क्वांटिटी की शीट भी रखी है, जो कि कंप्लीटली एक्सेल शीट है, बिल ऑफ क्वांटिटी एस्टिमेशन शीट की एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अब इंजीनियर की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो इंजीनियर को पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्यों जरूरी है, क्या मिलेगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग करके। देखिए एस्टिमेशन हमें क्या करता है, एक आइडिया दे देता है। किसका आइडिया? कॉस्ट ऑफ वर्क, जो कि कंप्लीटली हमें बिल्डिंग बनने से पहले हमें फंड पता चल जाएगा, फंड अवेलेबल है भी या नहीं हमारे पास जितने में वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला है। एस्टिमेशन हमें कंप्लीटली टाइम प्रोवाइड कर देगा कंप्लीशन ऑफ वर्क का, कि कितने टाइम में हम वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। एस्टिमेशन हमें इन जो हमारे टेंडर्स होते हैं या कोटेशन भरना होता है उसको भी हमें प्रोवाइड करता है एक एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हमें जो है कंट्रोल कर देता है उन सभी एक्सपेंडिचर, जो एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला था एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में, उनमें कंट्रोल कर सकता है एस्टिमेशन, अगर हम प्रॉपर एस्टिमेशन पहले कर पाएंगे तो। एस्टिमेशन हमारा डिसाइड कर सकता है कि प्रपोज प्लान को, जो प्रपोज प्लान हमने बनाया एक आर्किटेक्चर ने, वो फंड के साथ मैचअप कर रहा है या नहीं। मतलब प्लान बनाया कोई आर्किटेक्चर ने, वो हमारे फंड के साथ मैच ही नहीं कर रहा तो वो बिल्डिंग कभी नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए पहले एस्टिमेट करना ही पड़ेगा। एस्टिमेट करने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए, कि डिटेल्ड में एस्टिमेशन आना चाहिए हमको, सभी यूनिट का हमें रेट रेट पता हो, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता हो हमको, और साथ में एब्स्ट्रैक्ट शीट जिसको बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना आता हो तभी एस्टिमेशन बना सकते हैं। ड्रॉइंग्स की भी आवश्यकता पड़ती है एस्टिमेशन बनाने टाइम, वो सभी तरह की ड्रॉइंग्स, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन को मिला के वर्किंग ड्रॉइंग्स जो बनती है, उन वर्किंग ड्रॉइंग की सहायता से एस्टिमेशन कंप्लीटली बनकर आता है। अब सिविल गुरुजी ने इस चीज को आसान करते हुए कंप्लीटली मात्र 5 कैलकुलेशन में पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन सॉल्व कराते हैं। उन 5 कैलकुलेशन के द्वारा ही इस एस्टिमेशन को कंप्लीटली सॉल्व करना, उस एस्टिमेशन का कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जानना, उस कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन पार्ट को जानना, स्पेसिफिकेशन को जानना, और काफी चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है जो साइट पर जाकर डेली नीड पड़ती है एक इंजीनियर को। तो इस एस्टिमेशन प्लानिंग नोट्स की जो बात करते हैं तो ये प्लानिंग नोट्स की जो फीस रखी सिविल इंजीनियर वो है 599 रुपए, लेकिन इंजीनियर्स यहाँ पर 500 रुपए सेव कर सकते हैं कूपन कोड लगाकर, तो मात्र 99 रुपीज में आज इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स में कंप्लीटली इंजीनियर्स की लर्निंग बढ़ेगी, यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, साथ में एक्सप्लेनेशन डिटेल्स, यहाँ पे एस्टिमेशन शीट, बिल ऑफ क्वांटिटी शीट कैसी होती है वो इंजीनियर्स को कंप्लीटली जानने का मौका मिलेगा इस नोट्स में। साथ के साथ यहाँ पर इस बार एक थीम और लेकर आए हैं हम, एक गूगल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म में इंजीनियर्स का कुछ बेसिक डाटा रहेंगे वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा, जिससे जो भी इंजीनियर्स अपने कॉलेज में सिविल गुरुजी को इनवाइट करना चाहता है कि उनके कॉलेज में जाकर सिविल गुरुजी लर्निंग इंक्रीज कर सके उन सभी इंजीनियर्स की, तो वो भी सिविल गुरुजी कंप्लीटली लेकर आए हैं। उसके लिए एक गूगल फॉर्म सभी इंजीनियर्स को फिल करना पड़ेगा, जो भी इंजीनियर्स अपने कॉलेज में सिविल गुरुजी को चाहता है उनको सिखाया जाए उनके कॉलेज में, जिन्हें अपने कॉलेज में गुरुजी को बुलाना है उनके लिए एक गूगल फॉर्म दिया गया है। गूगल फॉर्म को वो फिल करेंगे और जैसे ही उस फॉर्म को सबमिट करेंगे उस फॉर्म पे उनका नाम, उनके कॉलेज का नाम, उनके कॉलेज के एचओडी का नाम,
उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलेज किस सिटी में है और किस स्टेट में है, बस इतना ही उन्हें एंट्री करके सबमिट करना उस गूगल फॉर्म को। और गूगल फॉर्म सबमिट करने के बाद उन्हें एक कूपन कोड दिया जाएगा, वो कूपन कोड से वो ड्राइंग और चेकलिस्ट का जो कोर्स है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में आज ही ले सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स क्यों करना चाहिए। जैसा कि एक सिविल इंजीनियर अपने लाइफ में ऑटो कैड और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली करता ही है। बेसिकली ऑटो कैड का जो फीस है वो 7,000 रुपए, और किसी दूसरे को और कोर्स को करता है तो उसकी फीस हो जाती है लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए, मतलब ओवरऑल वो 15,000 रुपए अपने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग में खर्चा तो करता ही है। लेकिन उसे मिलता क्या है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का नॉलेज, जैसे कि ऑटो कैड में बॉक्सेस बनाना है या फिर जो स्ट्रक्चर का जो कोर्स होता है उसमें सिर्फ वो सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं। लेकिन यदि वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जिसकी फीस है 9,000 रुपीज में अवेलेबल है जो अभी, उसे करने से उन्हें कंप्लीटली एस्टिमेशन, बार बाइंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, कंप्लीट ऑटोकैड, रेविट, ई टैब और एमएसपी मिलेगा, जो कि मार्केट वैल्यू पर बात करें तो 50,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन उसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में सिर्फ 9,000 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। और यदि वो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए जो फीस होगा वो 13,000 रुपए में, ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार रुपए का कोर्स उनको 9,000 या 13,000 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा।